नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गांव पंडोरी वड़ैच में पारिवारिक विवाद के चलते ससुर ने की बहू की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 3.5 किलो हेरोइन, नशीले पदार्थ और हथियार किए बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने फिल्लौर में 3 अलग अलग मामलों में 5 युवकों को किया गिरफ्तार, नशीले पदार्थों की बड़ी खेप सहित प्रतिबंधित गोलियां की जब्त। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के पंडोरी वड़ैच गांव में गत रात्रि एक घर में बहू और ससुर के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ससुर ने बहू की हत्या कर दी, जिसके बाद ससुर ने लड़की के मायके परिवार को बताया कि उनकी बेटी मर गई है। जब लड़की के परिजन घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी के गले पर निशान देखे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पंडोरी वड़ैच में किराए के मकान में रहने वाली राजविंदर नाम की लड़की की उसके ससुर ने गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि मृतका का पति दुबई में रहता है और ससुर परिवार मृतक लड़की राजविंदर को काफी परेशान करता था। मृतक लड़की की मां के बयान के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरप्रीत सिंह, मैं पिंड काले नंगल तू रहने वाला, बटाले शहर का। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪੰਡੋਰੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇਹਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਲਾਮੰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 4 ਵਜੇ, ਤੇ 4:30-5 ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਰ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੋ, ਤੇ ਅੰਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਈ ਸੀ ਆ ਕੁੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਰਸੋਈ ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਧੋਣ ਤੇ ਦਾਗ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਅਰਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਸਟ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰ? ਇਹ ਪੰਡੋਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੁਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਸੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੀ ਤਸਕਰੀ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਗਿਰੋਹ ਕਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਯੁਵਕੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਏ। ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि उक्त दोनों युवकों की पहचान वंश बिल्ला और सोनू चौरसिया के तौर पर हुई है, जिनके पास से 3.5 किलो हेरोइन, 1.5 किलो मैथाकोलोन पाउडर, एक ब्लॉक 9 mm और एक पिस्तौल .32 बोर बरामद की गई, जिनके खिलाफ NDPS और पुलिस स्टेशन मोहकमपुरा में शस्त्र अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर दी गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इनका तीसरा साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद ही पूरी बातचीत का पता चल पाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। CM साहब की जी नशा विरोधी क्रिमिनल एलीमेंट्स गैंगस्टर्स के खिलाफ जी मुहिम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर एक बड़ी अच्छी कामयाबी वड्डी मिली है। एक ड्रग कार्टल का पर्दाफाश किया गया तो जिसे आर्म्स की भी जी सप्लाई चेन है वो भी सामने आई है। ये दो मुलजम असी फड़े है, एक जिहड़ा हैगा इहदा नाम हैगा वंश एलियस बिल्ला, तो दूजा हैगा सोनू चौरसिया। ये जिहड़ी बरामदगी टोटल हुई है वह हैगी 3.5 किलो हीरोइन और एक मैथाकोलाइन 1.5 किलो, एक ड्रग हैगी जिहड़ी बैंड है 500 ग्राम के उत्ते कमर्शियल जिहड़ी हैगी हुंदी है क्वांटिटी मनी जाती है। और आम ये मैट्रोपोलिटन वड्डे शहरां च जिवें दिल्ली बॉम्बे वगैरह रेव पार्टीज़ दे विच यूज़ हुंदी है। एक ग्लॉक पिस्टल है 9 mm का, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, और एक 32 बोर का। जो गल सामने आई है इन्हां दी पुछगिछ तो यही है कि ट्रांसबॉर्डर कार्टल हैगा ये तकरीबन 3 महीने तो एक्टिव होए है बंदे, और इन्हां नाल एक होर साथी है जिहदा असीं नाम अजे नहीं लै रहे, उहनूं भी गिरफ़्तार करना बाकी है। वो सारा पाकिस्तान बेस समगलर्स दे नाल गल चल रही है, और जिहड़ा उन्हां दा कॉन्टैक्ट किदां होया वो इन्हां दे होर साथी दे फड़े जाण तो बाद गल क्लीयर होएगी। और जिहड़ी अगली डेस्टिनेशन है मैथाकोलाइन दी जां अपने हीरोइन दी, उहदे बारे भी जिहड़े अजे असीं बैकवर्ड लिंकेजेस पूरे एस्टैबलिश नहीं होए, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन असीं करांगे। सो मैं सारी टीम नूं जिहदे च हरप्रीत मंडेर जी, साडे सतबीर जी, नवजोत साढ़े DCP, कुलदीप जी ACP इन्वेस्टिगेशन, बिंदरजीत सिंह CIA 3 दे इंचार्ज, ते उन्होंने सारी टीम, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और जिहड़ी साड़ी वॉर अगेंस्ट ड्रग है उहदे च अच्छी कामयाबी सानू मिली है। नशीले पदार्थों के खिलाफ सुबह चलाई गई घेराबंदी और तलाशी अभियान कासो में जलंधर ग्रामीण पुलिस ने पंजाब के फिलौर उपखंड के गन्ना गांव से एक वांछित महिला तस्कर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए। इस संबंधी SSP हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि पुलिस की पहली टीम ने लसारा गांव के इलाके की घेराबंदी की और जतेंद्र कुमार उर्फ बया और दविंदर कुमार उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया। टीम ने उनके कब्जे से 150 नशीली गोलियां बरामद की। इसके साथ ही दूसरी टीम ने गन्ना गांव से रोहन कुमार उर्फ शेखू को गिरफ्तार किया और 12 ग्राम हेरोइन बरामद की। तो वहीं तीसरी टीम ने सुरजीत कुमार की पत्नी निंदर उर्फ मोरनी को गिरफ्तार किया और 150 एटीमोलम की गोलियां जब्त की। इस अभियान में नसीब चंद की पत्नी कश्मीर कौर की गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जो पिछले कुछ दिनों से गिरफ्तारी से बच रही थी। उन्होंने आगे बताया कि पकड़े गए आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से रिमांड हासिल कर गहनता से जाँच की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मां मरियम के वार्षिक दिवस के अवसर पर सेंट माइकल कैथोलिक चर्च में माथा टेका, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सरबत के भले की अरदास की। उन्होंने कहा कि ऐसे जगह पर गुजरने वाले सभी क्षण उनके लिए यादगार होते हैं। ईसाई समुदाय उनका अपना परिवार है और वे इस दिन की सभी को शुभकामनाएं देती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। अज नाले दे कैथोलिक चर्च दे विच और बड़े भागाले हैं कि अज मां फजला मां मरियम दा जिहड़ा त्यौहार है, सालाना त्यौहार इत्थे बहुत धूमधाम नाल मनाउंदे आ। साडा सारा ईसाई भाईचारा, क्रिश्चन भाईचारा जिहड़ा आउंदा, क्योंकि साडी अज नाले दी चर्च जिहड़ी आ बहुत वड्डी है, ते मैं उत्थे अपनी हाजरी लवाउण वास्ते आया सीगा। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤਦੇ ਆ ਉਹ ਪਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने नशीले पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 24 घंटों के भीतर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों और 1 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2019 से फरार एक घोषित अपराधी को भी पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के दौरान 130 नशीली गोलियां, ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड की 15 बोतलें और 1 स्कूटर बरामद किया गया। एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि पहले ऑपरेशन में पतारा पुलिस ने गांव ढाडा पुल के पास अमर सिंह उर्फ साबी को गिरफ्तार किया और 130 नशीली गोलियों के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरे मामले में लांबड़ा पुलिस ने गांव अथोला से बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके घर के पीछे बने मवेशी शेड से अवैध शराब की 15 बोतलें बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी इस शेड का इस्तेमाल शराब भंडारण के लिए कर रहा था। एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनसे जुड़े बड़े आपराधिक नेटवर्क का पता लगाने के लिए रिमांड की मांग करेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत 127 चालान जारी किए गए, 26 वाहन जब्त किए गए और 650 वाहनों का निरीक्षण किया गया। तो वहीं इस अभियान का उद्देश्य यातायात प्रवर्तन को मजबूत करना और नागरिकों के लिए सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करना था। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रणनीतिक नाकाबंदी का निरीक्षण किया। पैदल गश्त के माध्यम से बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर यातायात व सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की गई। अभियान के दौरान मुख्यतः 3 सवारी बिना दस्तावेज वाहन चलाना, खिड़कियों पर काली फिल्म लगाना और कम उम्र में वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में सभी पुलिस थानों में अपने अपने ACP की देखरेख में योगदान दिया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और फील्ड मीडिया टीम ने भी अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस जालंधर जी के दिशा निर्देशों से जो सी ट्रैफिक मैनेजमेंट वास्ते ट्रैफिक वायलेशन को चेक करने वास्ते और लोगों की सेफ्टी वास्ते जो स्पैशल ड्राइव चलाई सी, उसके तहत असी एक स्पैशल नाकाबंदी पूरे वीक चलाई सी, जिस दे विच टोटल 650 जिहड़े व्हीकल्स है उन्होंने चेक किया गया, जिदे विचों 127 चलान्स वर इशूड ते जिहड़े 26 व्हीकल्स हैं उन्होंने विदाउट डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने इंपाउंड किया गया। तो साडा खास फोकस एरिया सीगा वो ट्रिपल राइडिंग सी, विदाउट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सीगे, ब्लैक फिल्म सीगियां, अनऑथराइज यूज ऑफ बीकन सीगा, अंडर एज ड्राइविंग सीगी, जिस दे विच असी वाहन ऐप नूं भी यूज किया। इहदे विच थाने की फोर्स के नाल नाल फील्ड मीडिया टीम और ERS दे स्टाफ ने पार्टीसिपेट किया। साडा इस एफर्ट का यही मैसेज हैगा सिटीजनस नूं कि वह ट्रैफिक रूल्स नूं फॉलो करन, रूल्स नूं फॉलो करन तां वह आप सेफ रह सकन अते आम लोगों नूं भी परेशानी ना आवे। फोर्टीज एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ने 22 वर्ष की एक प्रोफेशनल लेवल के कबड्डी खिलाड़ी रमनदीप की शोल्डर स्टेबलाइजेशन सर्जरी कर अत्याधुनिक आर्थोपेडिक एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे पिछले 6 महीनों से बार बार कंधे के फ्रैक्चर के कारण काफ़ी पीड़ा में थे। ये प्रतिक्रिया डॉक्टर तपिश शुक्ला, एसोसिएट कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अमृतसर द्वारा की गई। इस संबंधी डॉक्टर तपिश शुक्ला ने कहा कि लेटर जेट और रिप्लेसेस तकनीकों के उपयोग से न केवल शोल्डर स्टेबलाइज हुआ, बल्कि रमनदीप बिना किसी जटिलता के अपना खेल दोबारा शुरू करने में समर्थ बने हैं। उन्होंने बताया कि रमनदीप का शीघ्र स्वस्थ होना, खेल चिकित्सा में प्रगति और उसे शीर्ष प्रदर्शन कर वापस लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आप कभी भी इंडियन पुशअप्स नहीं मार पाएंगे, अभी बहुत कंफर्टेबली रमनदीप इंडियन पुशअप्स मार पा रहा है। ये एक साइन है कि नो मैटर व्हाट, इनके शोल्डर को वापस से भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सर ये अभी गेम खेल सकते हैं? अभी रमनदीप 4 मंथ्स पोस्ट सर्जरी में है, अभी अगले महीने
एक आखिरी महीने का रिहाब रहेगा और अगले महीने के एंड में हम रमनदीप को गेम में उतार देंगे। सर्जरी के बाद में एक रिहाब का पीरियड होता है जो हर प्लेयर ने देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सर्जरी करी और वो एक महीने बाद में गेम में चले गया। सर्जरी के बाद में जितना इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी के बाद का रिहैबिलिटेशन, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब प्रॉब्लम इसमें तब होती है जब फिजियोथेरेपिस्ट अपनी मन की मर्जी के करें और सर्जन के साथ में कनेक्ट ना करें। तो मुझे हमेशा से ये मानना है कि फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन मेरे जैसे, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का साथ में मिलकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी मेरा से ऑपरेट हो, कोई भी एथलीट ऑपरेट हो, वो जहाँ पर भी रिहैब के लिए जा रहा है, अपने फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट से मैं काफ़ी अच्छे से कांटेक्ट में रहूं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता पाए, अगर वो स्लो जा रहे हैं तो मैं उनको बता पाऊं, अगर कुछ फास्ट कर रहे हैं तो मैं उनको बता पाऊं। ये गाइडेंस जब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक फिजियोथेरेपिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं तब जाके 100% रिजल्ट की गारंटी बहुत अच्छे से हो जाती है कि फुल एंड टू एंड हमने मरीज को देखा, डायग्नोसिस से गेम में जाने तक एक डॉक्टर या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो फिजियोथेरेपिस्ट उसके साथ में था, उसको कोई भी डिसीजन अपने मर्जी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दो क्वालिफाइड प्रोफेशनल अगर उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ उनकी बात माननी है और गेम तक जाने की जिम्मेदारी फिर दो लोगों की हो जाती है। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने संपर्क पहल के तहत सामुदायिक बैठक आयोजित की, जिसमें स्थानीय निवासियों ने नशे के खिलाफ पुलिस को पूरा सहयोग देने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी करतारपुर और डीएसपी ट्रैफिक ने की, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। डीएसपी ट्रैफिक ने सड़क सुरक्षा और नशा मुक्त समाज के आपसी संबंध पर जोर देते हुए यातायात के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान की घोषणा की। निवासियों ने नशे की तस्करी की हॉटस्पॉट पर चिंता जताई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह जी मान, मुख्यमंत्री पंजाब जी दे वल्लों, डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री गौरव यादव जी दे वल्लों और साढ़े एस एस पी साहब देहाती जलंधर जी दे वल्लों जिहड़ी है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ये मीटिंग बी डी सी दे तहत जिन्नियां साडियां वार्ड्स ने करतारपुर दियां उन्हां दे एम सी साहबान और जिन्हें साढ़े नवे सरपंच बने ने पिंडां दे उन्हां नूं नाल लै के जिहड़ी ये मीटिंग असीं अज कीती है। ये मीटिंग का मुख्य मंतव जिहड़ा सीगा कि संपर्क जिहड़ा है पब्लिक और पुलिस का जिहड़ा संपर्क है वो सुचज्जा ते सुखावे ढंग दे विच चंगे माहौल दे विच जिहड़ा हैगा असीं करना, और जिहड़ी भी आने वाले समय दे विच जिहड़ी नशे की जिहड़ी लत हैगी है उहदे विच असीं पुलिस ने सहयोग जिहड़ा है पब्लिक दे कोलों इन्हां नवें बने सरपंच साहिबानां और एम सी आ दे कोलों जिहड़ा असीं सहयोग मंगिया कि वह सानूं जिहड़ी इतलाह हैगी है उहदी समय सिर जिन्ने भी साडे कोई ड्रग पेंडलर ने ड्रग बिग फिश ने उहनां सारिआं दी इतलाह सानूं जिहड़ी समय सिर दे के असीं उहदा खात्मा करना है। दूसरा जिहड़ा क्राइम दा जिहड़ा लैवल हैगा उह दिन प्रतिदिन वधदा जा रिहा उहनूं कंट्रोल ते खत्म करन दे लई असीं ये मीटिंग जिहड़ी कीती है कि पब्लिक जिहड़ी हैगी है सानूं निर्विघन सच्ची ते शुद्ध इतलाह जिहड़ी हैगी है सानूं समय सिर दवे तां जो असीं जिहड़े हैगे आ ऑर्गेनाइज जिहड़े क्राइम है उहनूं असीं ठल पा सकीए। और दूसरी गल जे कोई इन्हां दे महल्लिआं दे विच जां पिंड दे विच कोई वार वार कोई गेड़े कढ रिहा कोई रैकी कर रिहा किसी क्राइम नूं करन वास्ते कोई बंदा वार बार जा रिहा ते उह वी असीं इन्हां दे नाल डिस्कस किया है कि तुसी उहदी इतलाह जिहड़ी है उहदे वहीकल का नंबर जिहड़ा सानू समय सिर दिओ असीं उहदा एड्रैस कढ के ते उहदे खिलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है असीं उहनूं कार्रवाई करके अमल च लिया के तो उहनूं बुक करिए। तो नवे यूथ की असीं एक होर प्लैनिंग की इन्हां दे नाल कि आने वाले समय के असीं वॉलीबॉल के फुटबॉल के बास्केटबॉल क्रिकेट के जिहड़े मैच हैगे आ उह नवीं यूथ दे नाल असीं करवाउण जा रहे हां तां जो जिहड़ी साडी नवीं पनीरी है उह बिगड़न तो उहनूं बिगड़न तो सुधार करिए और जिहड़े बिगड़न ने उहनां दी जिहड़े बिगड़े हुए ने उहनां दी जिहड़ी हैगी है असीं उहनां नूं मुड़ बसेवे विच पा के उहनां नूं स्पोर्ट्स दे किते च पाइए तां कि उह अपने जीवन दे सुधार कर सकन। ते इस लैवल दी मीटिंग जिहड़ी हैगी आ इह पूरे मंथ दा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा उह प्रोजेक्ट होया कि डेटां जिहड़ियां हैगियां ने उह सारियां डिसाइड होईआं किहड़ी डेट नूं किहड़े अफसर ने
किस जगह उत्ते करनी है, किहड़ी सबमिट करनी है, इस तरह दी मीटिंग जिहड़ियां लगातार ये हुंदियां रहणियां, यह सारिया मीटिंग जिहड़ियां हुण बीडीसी होणियां, यह सारियां दीआं सारियां समाज दे भले लई और क्राइम नूं कंट्रोल करन वास्ते, क्राइम नूं जीरो करन वास्ते, नत्थ पाउण लई ही कीतियां जा रहीआं। ते यह सानूं पूर्ण आस है कि जिवें पब्लिक सानूं जिहड़ी हैगी आ बहुत अच्छा चंगा माहौल उहनां ने अज महसूस कीता, ते असीं इहनां तों आस रखदे हां कि इस माहौल दे विच जिहड़ियां मीटिंगां जदों होणगीआं इहनां दे रिजल्ट जिहड़े हैगे ने बहुत अच्छे आउणगे और जिहड़ा साडा पंजाब दा सूबा है क्राइम मुक्त होएगा और जिहड़ा नशा जिहड़ा हैगा साडे सूबे दे विच उहनूं असीं जीरो दे उत्ते लै के आवांगे। इस परपज़ दे नाल जिहड़ियां मीटिंगां असीं सारियां कर रहे हां। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर 120 फुटी रोड जालंधर स्थित 13-13 हट्टी, जो कि हमेशा ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा में आगे रहती है, इस बार 14 और 15 नवंबर को खालसा स्कूल और विभिन्न गुरुद्वारा साहिब में लंगर का आयोजन किया। तो वहीं इस लंगर में लगभग 21,000 पटके और 1200 पगड़ियाँ बांटी गई, साथ ही ज़रूरतमंद परिवारों को निःशुल्क कपड़े भी बांटे गए। इस आयोजन में 13-13 हट्टी के मुख्य सेवादार तरविंदर सिंह रिंकू, गुरदीप सिंह पारवा, परमजीत सिंह रंगपुरी, जसविंदर सिंह पनेसर, परविंदर सिंह फालसा, अमरप्रीत सिंह, मनदीप कौर, अमनदीप सिंह, लखविंदर सिंह, अमन धीरज, दमनप्रीत सिंह और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। वहीं तरविंदर सिंह रिंकू ने बताया कि संगत के सहयोग से 13-13 हट्टी के सेवादारों ने जालंधर के विभिन्न गुरुद्वारा साहिब में 21,000 पटकों की सेवा प्रदान की, ताकि सिर ढककर गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करने की मर्यादा को बनाए रखा जा सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं 13-13 हट्टी की समूह कमेटी वालों आप सब संतान गुरु नानक साहब के 555वें आगमन पुरब के उत्ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। पूरे देश में विदेशों में बैठी हुई सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक। इस मौके के उत्ते मैं दसना चाहवागा 13-13 हट्टी वालों वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई स्पैशल जिहड़े हैगे उपराले किए जाते हैं, पर अज गुरु नानक साहब के गुरपुरब के उत्ते 21,000 पटके जिहड़े हर गुरुद्वारे दे विच असीं वंडे ने और 5 दे नाल 5 कपड़े असीं फ्री दिते ने। वैसे तो यह भी फ्री वर्गे होंगे ने कि 13-13 रुपये के असी कपड़े दिने, जो भी संगत सेवा करती है ये कोई भी 13-13 हट्टी अज तक किसी के पैसे का लेन देन नहीं किया गया, पर जिनी भी सेवा होंगी सारी संगत से संगत द्वारा तो संगत लिए ही की जाती है। इन्ना ही कहता हो सारिया संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी। जय ज्वाला वेलफेयर सभा बस्ती गुजर जालंधर की ओर से 16वें वार्षिक जागरण का आयोजन किया गया। तो वहीं जागरण की शुरुआत पंकज ठाकुर एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद पारुल चावला एंड पार्टी ने मां के मधुर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल बेच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं सभा की ओर से उन्हें माँ की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मंत्री मोहिंदर भगत, मुकेश सेठी, रावबिन सांपला, सुरजीत सिंह सीटा, भारत भूषण जयरथ, लकी मल्होत्रा, पंकज मल्होत्रा, योगेश मल्होत्रा, भीमसेन मेहंदी रत्ता, सुमित मिंटू, दीपक खोसला, विशाल सब्रवाल और जसवीर सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान चेयरमैन विजय बब्बर, उप चेयरमैन कुमार जी, प्रधान पवन कुमार, कैशर बब्बू मेहंदी रत्ता, सेक्रेटरी सौरभ दुआ, अशोक कुमार, राकेश अरोड़ा, सचिन बब्बर, सोनू अरोड़ा, निशांत मेहंदी रत्ता, रोहित खेड़ा, दीपक कुमार, देवेंद्र अत्री ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
जयकारा है श्री वाली माता जी का। हर साल की तरह जय ज्वाला सभा वालों महामाई का वेलफेयर साड़ी वालों जागरण कराया जा रहा है। इसके प्रधान पवन कुमार शर्मा जी आज के इस महामारी का जागरण कर जा रहे मेरे वीर पंकज ठाकर जी महंत जी मोनू ब्राह्मण जी साढ़े ब्लाक के प्रधान पात भूषण काका जी सारी मंदिर की प्रबंधक कमेटी अशोक शर्मा जी सौरभ सौरभ जी सौरभ दुआ जी गुप्ता जी महाजन साहब बब्बू जी सोनू जी काका जी और सारे जिन्हें भी कमेटी के मैंबर ने सब तो पहले मैं इन्होंने इस गल की मुबारकबाद दिता हाँ सचिन जी को कि बहुत वधिया और साढ़े साथी कालिया साहब साधना कालिया साढ़े माई बाप ने जिन्हें हमेशा भी कोई भी कारण कार्यक्रम हो सब तो अगे लग के उसकी रहनमई करते हैं। तो ये जो पवित्र स्थान पंचवटी मंदिर धर्मशाला का गौशाला का जो गेट है और ये सामने इन्होंने बच्चों ने महामारी का जागरण करा रहे हैं। मैं इन्होंने जिते लख लख वधाई दिता हाँ उसके नाल ही इनके नाल इनके सहयोगी बड़े वड्डे सहयोगी योगेश शर्मा जी योगेश मल्होत्रा जी जिहड़े कि किसी कारण मैं इस तरह नहीं इत्थे हैगे सो वह भी इन्होंने नाल हमेशा बड़े लंबे समय तो नाल सहयोग करते आ रहे हैं। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में विशेष साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन हुआ जिसके मुख्य यजमान डॉक्टर सुधीर शर्मा एवं श्रीमती कृतिमा शर्मा व सवराज शर्मा एवं श्रीमती अनु शर्मा ने परिवार सहित यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर यज्ञ किया। सारांश शर्मा व अनु शर्मा ने अपने जन्मदिन पर विशेष आहूतियाँ प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्मचारी अनुराग आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन आर्य समाज के मंत्री अनिल कोहली ने किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य सहित गुरुकुल करतारपुर के प्रधान ध्रुव मित्तल ओम प्रकाश मेहता विजय कुमार चावला चौधरी हरिचंद सुभाष आर्य प्रदीप शर्मा तानिया शर्मा संदीप अरोड़ा सुनीता रानी अनु आर्य साहिल शुक्ला उमा शुक्ला सहित असंख्य लोग भी उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। यजमानस्य कामः
श्री राम छाबड़ा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडितों द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय श्री राम छाबड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, श्री स्वामी केशवानंद जी, श्री स्वामी सार बोधानंद जी एवं पारिवारिक सदस्यों में संतोष छाबड़ा, विजय छाबड़ा, दर्शना छाबड़ा, शोक छाबड़ा, किरण छाबड़ा, रजिंदर छाबड़ा, सीमा छाबड़ा, आशा रानी, रजिंदर पाल, संतोष रानी, रवि नारंग, मोना, दिनेश कुमार सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्री राम छाबड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। शोक सभा में मंच आसीन श्री सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान जी, मेरे हृदय सम्राट श्री स्वामी परम श्रद्धेय श्री महाराज जी, ब्राह्मण देवता और जितनी भी आत्माएं आज हमारे पापा जी श्री श्री राम छाबड़ा जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, मैं सर्व संगत को शत शत नमन करता हूं। आज जिस रूह को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं वो हमारे परम आराध्य देव कुरुक्षेत्र निवासी श्री स्वामी जी महाराज जी के अनन्य शिष्य थे। उनके श्री चरणों में उनका अगाध प्रेम था। अभी आज से चंद रोज पहले ये रूह हम सबके बीच में विराजमान थी। 5 तारीख को मैं पापा जी का पता करने के लिए हॉस्पिटल गया तो मुझे पता चला कि उनकी छुट्टी हो गई है। फिर मैं शाम को भैया विजय छाबड़ा जी के घर पर गया और ऊपर जब मैं बाबूजी को मिला तो बाबूजी इतने विनम्र स्वभाव से मिले, हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करने लगे। चिंता नहीं होती, वो हर टाइम तैयार रहते हैं कि मालिक ये तेरा शरीर है, तेरी अमानत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना मेरे श्वास है, जितना मेरा अंदर है, वो सब आपकी याद में आपकी आवाज के साथ रहे और मैं दुनिया से जाऊं तो नेक कर्म करके जाऊंगी, मेरे को कोई कष्ट ना आने पड़े। नगरी द्रासी दरबार से ये परिवार जुड़ा है तो ये चिंता नहीं है कि बाबूजी श्री राम छाबड़ा जी नरकों को गए होंगे, यम की मार खाएगी, बिल्कुल नहीं। हमारे एक शायर है आजाद जलंधरी जी, वो कहते थे कि जिन लोगों पे है जग वालो वो खास इनायत सतगुर की, उनको ही संदेशे आते हैं, नंगली में बुलाए जाते हैं, दामन में छुपाकर भक्तों को गुरु जन्नत तक ले जाते हैं, आजाद उन्हें जब वक्त सफर यमदूत बुलाने आते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी सेवक कभी नरकों को नहीं जाते, कभी हम की मार निकालनी पड़ती। एक बात की बात है कि श्री गुरु महाराज जी लखनऊ में विराजमान थे, 15-20 उनके संत और 20-25 सेवादार साथ थे और दूरों नेड़े आए थे। पहलो ते भराओ, बड़ी दुख की घड़ी है कि आज साडे विच मेरा वड्डा भरा श्री राम छाबड़ा नहीं रहा। श्री राम छाबड़ा जी का मेरे नाल घट तो घट 50 साल का प्यार सी, कुछ व्यापार के तौर पर भी कुछ उस तरह भी साड़ा रोड़ा भरा सी ते मिलनसार सी। दूसरी चीज़ जिस तरह भाई जी ने दसा है कि गुरु घर के प्रेमी सन। श्री राम छाबड़ा जी ने जिथे मेहनत करके अपने परिवार को पालिया,
नेक कमाई की उत्थे गुरु घर के प्यार करके जो सानू सिक्ख्यावान मिलदिया ने नाम भी जपया तो इस तरीके दे नाल उन्हां दी जिहड़ी उमर प्रभु की कृपा दे नाल कनवें साल दी सी और ठीक है कि छबड़ा परिवार ने जिसलिए हॉस्पिटल चो गए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के गांव पंडोरी वड़ैच में पारिवारिक विवाद के चलते ससुर ने की बहू की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 3.5 किलो हेरोइन, नशीले पदार्थ और हथियार किए बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने फिल्लौर में 3 अलग अलग मामलों में 5 युवकों को किया गिरफ्तार, नशीले पदार्थों की बड़ी खेप सहित प्रतिबंधित गोलियां की जब्त। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।